टेंशन था उनसे मिलने का, और मैं उनसे मिल ली। एंड सबसे बड़ी बात है वो मेरे से बहुत अच्छे से मिले। उनके 20 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो बहुत ज्यादा उनको दिक्कत आती होगी ऐसे एक एक बंदा उससे मिलने जाएगा तो। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो मेरे से बहुत अच्छे से मिले, तो थैंक यू सो मच क्रेजी एक्स वजेट। एंड अब तो वो मेरे और भी ज्यादा फेवरेट क्रिएटर हो गए हैं, क्योंकि बिल्कुल भी घमंड मेरे को उनके अंदर लगा नहीं कि हाँ भाई वो घमंडी है। उन्होंने मेरे से पानी के लिए भी पूछा, सो हाँ मैंने उनके यहाँ से थोड़ा सा पानी भी पी लिया, बिकॉज मेरा पानी गर्म हो गया था जो मैं लेकर गई थी बॉटल में। हाँ तो मैंने थोड़ा सा पानी पिया। एंड हाँ अब मैं एक्साइटेड हूँ कि मेरे को उनसे दूसरी बार मिलने का मौका कब मिलेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब कभी मिलने का मौका मिलेगा। क्योंकि यार मैं तो अब अलवर कहाँ ही जा पाऊंगी, एक बार चली गई बड़ी मुश्किल से, परमिशन मिली मेरे को अलवर जाने की अकेले, तो अब दूसरी बार तो मुझे लगता नहीं कि परमिशन मिलेगी। मेरी मम्मी बोलेगी वही रह ले घर लेके, अगर तेको इतना शौक है वहां जाने का बार बार, तो मुझे नहीं लगता परमिशन मिलेगी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि भाई क्रेजी एक्स वजेट का मीटअप हो जाए दिल्ली में, फिर तो मजे ही आ जाएंगे। फिर तो मैं सबसे पहले जाऊंगी वहां पे उनके मीटअप में। जब उनके मीटअप की स्टार्टिंग होगी टाइमिंग, उससे 10 घंटे पहले जाके मैं वहां पहुंच जाऊंगी जहां पे उनका लोकेशन होगा मीटअप का, क्योंकि भाई थोड़ा सा यू नो पर्सनल टाइम मिलेगा उनके साथ बातचीत करने का, तब शायद मैं वीडियो बना लूँ, पता नहीं। हाँ पहले उनसे पूछूंगी अगर वो अलाउ करेंगे तभी, और अभी तो मीटअप का भी कुछ पक्का नहीं है कि वो दिल्ली में करेंगे या जयपुर में करेंगे। एक्चुअली मैंने उनकी स्टोरी देखी थी जिसमें वो बोल रहे थे कि भाई अगला मीटअप कहाँ पे करें, तो मैंने तो वहाँ पे दिल्ली किया था। एंड काफी सारे शायद 50% लोग थे जिन्होंने दिल्ली बोला था, लेकिन फिर दूसरी स्टोरी उन्होंने डाली जिसमें उन्होंने ऐसा थोड़ा इशारा दिया कि वो जयपुर में मीटअप करेंगे, तो पता नहीं वो क्या करेंगे। बट हाँ मैं तो यही चाहूंगी कि दिल्ली में मीटअप हो जाए, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी, क्योंकि मैं दिल्ली में ही हूँ अभी, तो मैं उनसे मिलने आराम से जा सकती। एंड हाँ सो बस गाइज, और ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। उनसे मिलकर काफी अच्छा लगा, एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा था। एंड जो लोग ऐसे बोलते हैं कि क्रेजी एक्स वजेट वीडियो नहीं बनाने देते हैं, तो भाई उनकी मर्जी है, अगर वो नहीं चाहते आप उनके साथ वीडियो बनाए तो मत बनाओ ना यार, है ना भाई। उनकी परमिशन के खिलाफ आप नहीं जा सकते, वो उनकी खुद का पर्सनल स्पेस है, आप उनके घर में जा रहे हो फिर जबरदस्ती उनकी वीडियो बना रहे हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने अपने घर की दीवार पे एक नोटिस टांगा हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है कि भाई आप वीडियो नहीं बना सकते यहाँ पर, और आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, तो वीडियो मत बनाओ अपना फोन खोल के। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे काफी ज्यादा यू नो बेशर्मों की तरफ वीडियो बनाने लग जाते हैं, तो अब ऐसे लोगों का दोस्तों देखिए कोई इलाज तो है नहीं। लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि अच्छा नहीं लगता, ना मैंने उनसे परमिशन ली वीडियो बनाने की। मुझे लगता है अगर मैं बोलती कि भाई मेरे को वीडियो बनाना है तो कोई छोटा सा इंटरव्यू तो दे ही देते मुझे, बट हाँ नेक्स्ट टाइम बेटर लक। एंड इस बार तो मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी। मैं मेरी तो उनके सामने आवाज ही नहीं निकल रही थी कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी उस टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ तो ऐसा मेरे साथ कम ही होता है, बट इस बार ऐसा हुआ, सो इट्स ओके मैन। अगली बार बहुत अच्छे से तैयारी करके जाऊंगी, क्या क्या बोलना है क्या क्या बातचीत करनी है। एंड हाँ फिलहाल गाइज इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, अगर आप लोग उनसे मिलने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने आपको गांव का नाम बता दिया बंसूर, एंड उनकी जगह है अलवर, ठीक है, गांव बंसूर अलवर, तो वहां पे वो रहते हैं। एंड वहां पे किसी से भी पूछेंगे तो लोग बता देंगे कि वो कहाँ रहते हैं। वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि क्रेजी एक्स वजेट यहाँ पर रहते हैं, उनके बारे में जानते ही नहीं बहुत सारे लोग, क्योंकि मोस्टली गाँव के लोग हैं तो वो देखते नहीं होंगे यूट्यूब। बट हाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको पता भी है, तो उनसे पूछेंगे, सबसे पूछेंगे तो कोई ना कोई तो बता ही देगा। सो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ गाइज, थैंक यू सो मच।